ओम शांति। एक प्रश्न जो हमारे पास आया है, मैं पिछले 8 महीनों से राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से मैं उतना फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये समझना जरूरी है हमारे लिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो चलना बस सीख रहा होता है, और अगर सडनली उससे कहा जाए कि आप दौड़ना शुरू करें, हो सकता है थोड़ी डिफिकल्टी एक्सपीरियंस करें। उसी तरह से अभी अभी आपने मेडिटेशन करना शुरू किया है, और यदि आपको इस एनवायरनमेंट में फोकस और कंसंट्रेशन करना है, तो कुछ टेक्निक्स बस समझना जरूरी होगा। जैसे एक ड्रामा होता है, ड्रामा में कुछ एक्टर्स जो होते हैं वो स्टेज पर होते हैं, जो अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। वहीं पर कुछ एक्टर्स जो होते हैं जो बैक स्टेज में होते हैं, जो अपना रोल प्ले करने के लिए आने के लिए रुके होते हैं कि हम कब जाएं, हमारा रोल कब आएगा, कब मैं इस एक्ट को यू नो इनैक्ट करूं, इसके लिए वो वेट करते रहते हैं। उसी तरह से हमारा मन जो है वो एक स्टेज के जैसे है। उसमें कुछ एक्टर्स हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड के जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्ले करते होते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में ऐसे बहुत थॉट्स, जैसे हम संस्कार्स या इम्प्रेशंस कहते हैं, जो हमारे जो सबकॉन्शियस में स्टोर्ड होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे होते हैं कि हम कब स्टेज पर आए, हम कब एक्ट करें। तो अब ये लॉकडाउन पीरियड में ये हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ फिजिकली करने को नहीं है। शायद जॉब पे हम नहीं जा रहे होंगे, घर पे बैठे होंगे, तो अब वो कॉन्शियस जो एक्ट हम करते हैं वो कम हो गया है, लेकिन ये जो सबकॉन्शियस के जो थॉट्स हैं वो अभी यू नो स्टेज पर आकर हमारा अटेंशन, हमारा जो अवेयरनेस है वो अपनी तरफ खींचते हैं। और ज्यादातर देखा गया है कि ये जो सबकॉन्शियस की जो मेमोरीज आ जाती है कॉन्शियस पे या उस स्टेज पर, वो बहुत ज्यादा शायद पॉजिटिव ना भी हो। अब इस स्थिति में यदि मैं मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करता हूँ तो हो सकता है थोड़ी चैलेंज हो। अब हमें करना ये है, बहुत सिंपल इसकी हम एक विधि अपनाते हैं, कि हम सभी के पास पावर ऑफ अटेंशन होती है। पावर ऑफ अटेंशन मीनिंग हम जहाँ अपने मन को लेकर जाएं, उस चीज के साथ हम जुड़ जाते हैं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप अपने रूम में या जहां भी आप बैठे हैं वहां देखें, और उस रूम में हर वाइट चीज को काउंट करें, कितनी वाइट चीजें हैं अभी हम करें। अब जो है उसी रूम में जहां भी आप बैठे हैं, देखें अपने आसपास कोई ब्लू चीज को काउंट करें, जो भी ब्लू चीजें हैं आपके रूम में उन्हें काउंट करें। अब जो है एक चीज जब हम समझते हैं कि जब आप व्हाइट काउंट कर रहे थे तभी भी ब्लू आपके रूम में था, लेकिन हमारा अटेंशन नहीं था, विच मीन्स जहां भी हम अपने अटेंशन को लेकर जाएं उस चीज को हम फोकस कर सकते हैं। सो अब हमें करना ये है, सारे दिन में ये जो स्टेज पे सबकॉन्शियस से थॉट्स आ जाते हैं, या पहले की कोई बातें, कोई एक्सपीरियंसेस, कोई कंटिन्यूसली जो यहाँ कॉमेंट्री चलती है, उसकी जगह पे कॉन्शियसली अवेयर होकर हमें अभी इन द प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है। उस तरह से हम जो अनवांटेड या जो एक्टर्स हम नहीं चाहते हैं लेकिन आ जाते हैं, उनको हम चैनलाइज कर सकते हैं टुवर्ड्स व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल, अभी इस सेकेंड में, ये सेकेंड जो जा रहा है, उस सेकेंड में व्हाट इज इट दैट यू वांट टू एक्सपीरियंस। Let's say you want to experience happiness. तो सोचे उन चीजों के बारे में जो आपको खुशी देती है। जैसे ही आप उस वाइट पे या उस ब्लू पे, जैसे खुशी वाला या शांति वाला या शक्ति वाला, उस थॉट पे जब आप फोकस करेंगे, बहुत नेचुरली बाकी कलर्स भी रहेंगे, बाकी थॉट्स भी रहेंगे, लेकिन फिर भी आप उस पर, क्योंकि अपना पावर ऑफ अटेंशन को फोकस कर रहे हैं, आप उस चीज को एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को बढ़ाएं, एंड आई एम श्योर कि जब सारा दिन आप इस तरह से अवेयरनेस में रहेंगे, तो जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तभी भी आपके लिए मेडिटेशन में वो रिलैक्सेशन, वो शांति, खुशी को अनुभव करना आसान हो जाएगा। ओम
शांति।